दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, और ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे बहुत ही वेल डेकोरेटेड है। यहाँ पर प्लास्टर वगैरह मैंने नहीं किया है, केवल स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया है। और ये जो प्लान आपका आज का होने वाला है अंडर 5 लाख, अगर आपके पास बजट 5 लाख रुपए है और आप एक छोटा सा घर बनवाना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए इस प्लान को मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पर मैंने जो टैग भी दिया है वो भी अंडर 5 लाख हाउस प्लान नाम से दिया है, क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आपका छोटा सा एक घर हो, तो वो मॉडल आपके पास सूटेबल होगा। पूरा आज हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल को, 5 लाख के अंदर ये घर बनकर आपका रेडी हो जाएगा। अगर आपके आसपास क्लोज नहीं है, आसपास ओपन है, तो आप विंडो वगैरह साइड में दे सकते हैं। अगर क्लोज्ड है तो आप ये वाला विंडो हटा सकते हैं, हालांकि मैंने विंडो दिया है। और अगर ये आप पे डिपेंड करता है, फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, ये स्लोप है जहाँ से चढ़ेंगे, ये आपका डिज़ाइन वगैरह है। आपको मैं जूम करके और दिखा दूँगा इसका रियलिस्टिक व्यू वगैरह, जो इसका रेलिंग है वगैरह सारा डिटेल। और इसके हम साइज़ की अगर बात करें तो 18x24 18x24 फिट में है, लगभग 432 स्क्वायर फिट में ये एरिया कवर्ड किया है। अगर आपको 5 लाख के अंदर अंदर घर बनाना है तो लगभग आपको 400x400 एरिया ही कवर्ड हो पाएगा, इससे ज़्यादा कवर्ड नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, इसमें अंदर क्या बना हुआ है। इसके लिए मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर ले चलता हूँ। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिएगा स्टेयर्स है, यहाँ से आप चढ़ेंगे। और इसके बाद ये लगभग 6 फीट का स्पेस मैंने आगे छोड़ दिया है, और ये उसी स्पेस पर ये आपकी स्टेयर्स बनकर रेडी हो जाती हैं। ये स्टेयर्स है जिससे आप चढ़ेंगे और चढ़ते चढ़ते जाएंगे और टर्न होकर वापस आ जाते हैं। तो ये आपका 6 फीट का एक्स्ट्रा एरिया मैंने आगे छोड़ दिया है 18x24 फीट में। इसके बाद ये डोर है, यहाँ पर फ्रेम दिया है मैंने डोर का, ये विंडो का फ्रेम है, यहाँ से एंट्री करेंगे। और ये सारे पिलर वगैरह मैंने बना रखे, जैसा आप एंट्री करते हैं तो ये आपका लिविंग एरिया टाइप का मिल जाता है। इस कॉर्नर पर एक बेडरूम आपको मिल जाता है बड़ा सा, और ये आपका बड़ा सा एक किचन है, और ये आपका लेटेंट पाथ है जो फ्रंट में मैंने क्रिएट किया है। तो आपको 18x24 फीट में एक बेडरूम, किचन, लेटेंट बाथ इस और लिविंग एरिया, स्टेयर्स, आगे पार्किंग का थोड़ा सा स्पेस 6 फीट का अप्रॉक्स मिल जाता है। हालाँकि ज़्यादा तो स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें 5 लाख बजट में, तो आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, 5 लाख बजट में ज़्यादा आपका घर नहीं डेकोरेट हो पाता है। लेकिन एक वेल प्लान्ड आपका घर बन जाएगा, एरिया आपको बहुत ही कवर्ड करना है, ज़्यादा इधर उधर छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें वेल प्लान्ड है इस मकान में, और जो कि 5 लाख में आपका तैयार हो जाएगा। मैं ये स्ट्रक्चर पूरा मैंने बनाया है, यहाँ पिलर पर बीम और पिलर पर घर बना हुआ है, 18x24 फीट में 18 फ्रंट है, 24 इसका लंबाई है। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर का डिस्कशन, जो कि बेडरूम, किचन, लेटन बाथ, स्पेस, ये स्टेयर्स बाहर से अंदर को जाएगी। और ये आपका ग्राउंड फ्लोर की लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जिसमें चारों तरफ 4 फीट का मैंने बाउंड्री दिया है, 4 फीट के पिलर हैं। और ये आपकी स्टेयर्स देखिए यहाँ पर चढ़ेगी, यहाँ से मैंने कट छोड़ दिया, इससे आप आराम से छत पर आ सकें। फ्रंट में रेलिंग की बात करें, मैंने ग्रिल वगैरह इसीलिए यूज नहीं किया है, क्योंकि उसका बजट बढ़ जाता है, तो इसीलिए ईंटों में ही झरोखे टाइप के यहाँ पर छोड़ दिए, इससे आपका ग्रिल जो है, जो रेलिंग है, वो आसानी से बन सके और ज़्यादा पैसा आपका खर्च ना हो। तो 5 लाख में एक बेहतरीन सा मकान बनकर रेडी हो जाता है, जो कि 18x24 फीट में। आप इसका टेक्सचर वगैरह देख लें, सारा ईंटों का डिज़ाइन मैंने दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल है 18x24 में अंडर 5 लाख। तो ये मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। अगर मॉडल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।